कोटा के हॉस्टल में रविवार सुबह 6 बजे ट्रांसफार्मर से शॉर्ट सर्किट से आग लग गई। घटना के समय 6 मंजिला हॉस्टल में कुल 70 छात्र थे। अधिकतर छात्र सुबह गहरी नींद में थे, हो हल्ला हुआ तो भगदड़ मच गई। इसी बीच 7 झुलस गए हैं। पहली मंजिल पर कुछ छात्रों ने बालकनी में चादरें बांधकर उतरने का प्रयास किया, इसमें एक छात्र गिरकर घायल हो गया। एक छात्र सीढ़ियों में फिसल गया जिसके पैर में फ्रैक्चर हो गया है। इंजीनियरिंग और मेडिकल की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स यहाँ रहते थे। जानकारी के अनुसार शहर के कुनहाड़ी इलाके में लक्ष्मण विहार स्थित आदर्श हॉस्टल में घटना हुई है। सुबह 6 बजे ग्राउंड फ्लोर पर लगे ट्रांसफार्मर में शॉर्ट सर्किट से चिंगारी निकली। इसके बाद धीरे धीरे आग ने विकराल रूप ले लिया। आग तेजी से ऊपर की तरफ फैला। छात्रों ने खिड़की से चादर बांध बांधकर बिल्डिंग से नीचे उतरने की कोशिश की। इस दौरान मध्य प्रदेश का भविष्य नाम का छात्र पहली मंजिल से गिर गया, उसके पैर में चोट आई है। कोटा से तेजपाल बग्गा की रिपोर्ट। आग लगने की वजह से हुआ, आग इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट से हुआ। हम तो रूम में थे, सो रहे थे। कौन से फ्लोर पे? फर्स्ट फ्लोर पे। तो हॉस्टल में शोर होने लगा था, सब आ रहे थे तो ऐसे उड़ गए थे, देखे आग लगी है। छोटी मोटी जो आई है तो आठ बच्चों को आई है, जिनमें से 6 का प्राथमिक उपचार चल रहा है। 2 बच्चों को, एक को फ्रैक्चर हुआ है पैर में और एक को थोड़ा सा हाथ और गले पर बर्न्स हुए हैं। इनका हम जो उपचार की प्राथमिकता कर रहे हैं, डॉक्टर जो हॉस्पिटल से।